लाइफ में पहली बार गाड़ी में रूसा खुल रहा हूँ और हमारे पास ना ये जूस है और यहाँ पे फ्रूट भी है और आज मैं बताया ये लाया खजूर खजूर बाहर कहाँ मिलता है राइट रोजा खोलने के लिए लाया यार फॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन जैसी फील आ रही है सच में रूला एरिया में Yo, what is up guys? Welcome to my few minutes. और good morning guys. अभी मैं फिलहाल उठ गया हूँ और अभी ना guys time हुआ है 12 PM या AM होता है guys दोपहर में I don't know but 12 बजे है guys और चलते हैं guys फटाफट से और फिलहाल तो guys अभी मुझे college जाना है जो कि बिल्कुल मन होता नहीं है guys किसी को भी रोजा रख के कॉलेज जाने का पर क्या कर सकते हैं guys college में भी थोड़ा अटेंडेंस का इश्यू होता है ना तो जाना तो पड़ता है तो जाना तो पड़ेगा guys बाकी अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना तो guys मैं कॉलेज जाता ही नहीं पूरा महीना कॉलेज नहीं जाता बट थोड़ा स्कैम हो जाएगा इसलिए गाइस जाना पड़ेगा बाकी अभी मैं फुल रेडी हो गया हूँ और मैंने अभी मैंने फ्रेंड्स को कॉल किया वो रेडी नहीं होते गाइस मतलब हम साथ में जाते हैं कॉलेज तो वो लोग रेडी नहीं होते और जिस दिन मैं लेट करता हूँ ना मैं रोज जल्दी रेडी हो जाता हूँ जिस दिन मैं लेट करता हूँ ना उस दिन गाइस वो फुल रेडी होकर बैठे होते हैं क्या स्कैम है गाइस बाकी अभी फिलहाल चलते हैं और देखते हैं गाइस कॉलेज में कितने लेक्चर पर बताओ बाकी मन तो है नहीं बट करना तो पड़ेगा गाइस मजबूरी है मैं गाइस लिटरली आपको बता दूँ मेरे बैग का वेट ही नहीं है देखो और हल्का बैग है क्योंकि बुक्स ही नहीं है स्कूल्स में बहुत परफेक्ट होता था गाइस वो परफेक्ट एक बुक मिल जाती थी ना तो मतलब स्टूडेंट को बुक्स में से याद करना है बट कॉलेज में बहुत यार प्रॉब्लम है गाइस वो जेरॉक्स में से याद करना पड़ता है बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस मैं तो सह नहीं पाता बाकी चलते गाइस लेट्स गो गाइस जो लोग स्कूल जाते हो और उनको ऐसा लगता है ना कि कॉलेज में बहुत मजा है गाइस गलत सोचते हो कॉलेज में गाइस बिल्कुल मजा नहीं वो गाइस वाइब ही नहीं आती स्कूल जैसे स्कूल में गाइस बहुत मजा होती थी मुझे मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह सब कुछ ना कुछ मतलब होता था तो जो लोग ये सोच रहे हो ना गाइस बिल्कुल मत सोचना कॉलेज में बिल्कुल मजा नहीं है Let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you फिलहाल मैं अभी अपने घर पे पहुंच गया कॉलेज से आगे और अभी ना जोहर का टाइम हो गया था तो मैं ना डायरेक्ट नमाज पढ़ के आया गाइस क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया था अभी ना देखो 2 PM हो गया अभी चला गया तो अभी चलते हैं और अभी देखते हैं गाइस वैसे तो मैं रोज आके कुरान शरीफ पढ़ता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ और डायरेक्ट उठता हूँ असर के टाइम पे बट आज देखते हैं गाइस क्या करते हैं क्या नहीं बाकी आई होप कि मेरे को आज रोजा लगे नहीं गाइस क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में मेरे को बहुत रोजा लगा था बट आई होप कि आज ना लगे आप जो शायद ये वीडियो देखते हो ना गाइस वो बहुत एक टेक में आपको लगता होगा कि खत्म हो जाती है बट उसको शूट करने में मतलब बहुत बोलना पड़ता है और 2-3 टेक लेने पड़ते हैं और अगर सोच के बोलना पड़ता है ना तो थोड़ा रोजा लगता है मतलब प्यास लग जाती है बोल बोल के अभी चलते हैं गाइस घर पे गाइस बैग तो लेना ही भूल गया तो अभी बैग लेता हूँ अब चलते हैं यहाँ पे ना कर्टन्स आई है गाइस पूरे घर की ये कर्टन्स ना गाइस बहुत दिन पहले ना वॉशिंग के लिए गई थी तो इसलिए सारी कर्टन्स भी हटा दी थी और आज फाइनली वो अंकल जी लगाए गए और बहुत दिन के बाद कर्टन्स आई है गाइस तो लगाए गए गाइस देखो कितनी सारी कर्टन है देखो बाकी मैं तो अभी फिलहाल सोने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है गाइस तो गुड बाय यो गाइस व्हाट्सअप और अभी ना मैं थोड़ी देर सो के उठा हुआ और फाइनली अभी असर की नमाज पढ़ के आया और बस घर पे आया और अभी ना टाइम हुआ है अराउंड 5:45 और मेरे फ्रेंड्स का ना कॉल आता है गाइस कि कहीं ना कहीं इफ्तारी करने बाहर चलते तो मैंने सोचा इसको मैं तो गाइस फ्री होता हूँ वैसे बहुत टाइम से बोल रहे थे गाइस बहुत टाइम से मतलब सब डिसाइड कर रहे थे कि बाहर चलते हैं तो मैंने बोल दिया गाइस कि अब बाहर चलते हैं फाइनली और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं और वो सब लोग मेरे फ्रेंड्स मेरे घर के नीचे ही आ रहे हैं बट आई होप कि हो भी जाए तो भी चलते हैं गाइस लेट्स गो तो अभी गाइस फिलहाल चलते हैं और मैं ना सोच रहा हूँ कि आज फाइनली फॉर्च्यूनर लेते हैं गाइस बहुत दिन बाद क्योंकि बहुत दिन से गाइस फॉर्च्यूनर स्टार्ट ही नहीं करी थी ना क्योंकि गाइस बहुत दिन से स्टार्ट नहीं करी थी फॉर्च्यूनर तो मैं सोच रहा हूँ ना आज फॉर्च्यूनर गाइस पूरे दिन घुमाते हैं तो लेट्स गो तेरे को रोजा लगा है भाई आज वाल बहुत खराब ना रोजा लगा है तेरे को रोजा लगा है नहीं और आज मैं बताया ये लाया खजूर क्योंकि खजूर बाहर कहाँ मिलता है राइट मैं खजूर रोजा खोलने के लिए लाया हंस क्यों रहा है भाई सही है हाँ क्या करे बाहर तो गाइस मिलता नहीं है ना देखो सबसे लेट यही करता है सबसे आइए आइए सबसे लेट तू ही करता है पता है भाई लेट नहीं करता सबसे लेट तू ही करता है हमेशा मैं लेट करता हूँ हमने वेट किया था कब से वेट कर रहे आधा घंटा हो गया कुछ ही रोजा रखा है वो इधर ही नहीं रखा मैंने नहीं रखा अरे भाई इसने रोजा नहीं रखा सही में नहीं रखा इफ्तारी के लिए क्यों लाया इसको भगा इसको मस्ती कर रहे हैं गाइस हम सब ने रखा है रोजा बाकी अभी चलते हैं और मेरे को तो आज रोजा लगा है तुमको लगा है भाई ना नहीं लगा रोजा रखने की चीज होती है लग जाता गाइस ट्रैफिक देखो
ये रमजान की वजह से ना बहुत ट्रैफिक होता है जी, देखो पूरा पैक ही पैक है भाई। और गाइस इतनी बड़ी गाड़ी निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, बट निकाल रहे गाइस, क्या कर सकते हैं। बाकी ये पब्लिक देखो गाइस, कितनी सारी पब्लिक है भाई, कितनी सारी पैक है गाइस। गाइस हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमको कहाँ जाना है क्या नहीं। अब ये लोग जहाँ बोलेगे वहाँ जाएंगे भाई। सबसे पहले कहाँ जाना है बोलो, जूस ले लेते हैं ना सबसे पहले। जूस ये यार क्या मस्त आइडिया थी गाइस। और ये देखो गाइस फाइनली हमारा जूस आ गया सबका। भाई गलती से पी मत लेना ठीक है, गलती से पी मत लेना गलती। अभी ना गाइस हम दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या खा सकते हैं। आगे कुछ खाने का है वहाँ पे, खाने का भी ले लेते हैं, लेट्स गो। ये देखो गाइस जूस वो सब रेडी है और टाइम ना अराउंड 3 मिनट ही बाकी है। और व्यू देखो कितना मस्त मौसम लग रहा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है देखो गाइस, वाओ। 1 मिनट बाकी है, 5 सेकंड बचे हैं। हाँ गाइस 5 सेकंड बचे, ये कौन बोला भाई? ये मैं बोला, मेरे को रोजा बहुत लग रहा है। वाह ओ गाइस, लाइफ में पहली बार गाड़ी में रोजा खुल रहा हूँ गाइस। और हमारे पास ना जूस है और यहाँ पे फ्रूट डिश है गाइस, दिखा दो। यहाँ पे जूस है और यहाँ पे गाइस फ्रूट डिश है। गाइस खुलता हूँ रोजा, इसमें एक्सपेरिमेंट सबको करने चाहिए। पानी पीना है। हाँ हाँ क्या लग रहा है गाइस, रोजा खोल के इतना मस्त फीलिंग लगती है ना गाइस, पूछो मत। फ्रूट भी हमने ले रखे हैं और यहाँ पे हम फ्रूट खा रहे हैं। गाइस क्या आवाज आ रही है, देखो कितनी सारी चिड़िया की आवाज आ रही है गाइस। गाइस तो अभी हम फिलहाल घर पे निकल चुके हैं क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है गाइस, ईशा का टाइम हो गया है तो ईशा की नमाज भी पढ़नी है और तरावी भी पढ़नी है, तो फटाफट गाइस चलते हैं। बाकी अभी रोजा तो खोल दिया है और बर्गर भी गाइस थोड़ा बहुत खा लिया, बट अभी फिलहाल खा लिया और नमाज पढ़ने चलते हैं गाइस। वैसे नमाज तो मैं अकेला ही पढ़ता हूँ गाइस, ये लोग तो शायद कोई पढ़ता नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया। सब लोग पढ़ते हैं गाइस नमाज, तो इसलिए गाइस घर पे चलते हैं फिलहाल। हाँ माहिर के पास तो टाइम ही टाइम है यार। गाइस ये ना बहुत जल्दी ना तरा वो नमाज पढ़ ली है ना इसने, वो तरावी कितने दिन में? मैंने 6 दिन में पढ़ ली। 6 दिन में, उसमें क्या होता है वो, एक दिन में कितनी होती है भाई? 5 पारे गाइस, 5 पारे एक दिन में, सोचो। पर मेहनत होती है ना उसमें, बहुत देर लगती है ना भाई। 9 से 12 कंटिन्यू नॉन स्टॉप गाइस 3 घंटे पैर कांप तो जाते दर्द में। तीन कौन है ये 3 दिन की नमाज वाला? तीन यार फॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन जैसी फील आ रही है सच में, रोला गिर गया है। तो तेरे को पॉलिटिशियन वाली सी फील आ रही है ना? है तू फील आ रही है, हम सुन पॉलिटिशियन है, तू बस फील ले भाई, फील ले। गाइस फाइनली अभी अपना घर आ चुका है, लेट्स गो। तो अभी गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है, मैं अभी अपने घर पे आ चुका हूँ और ईशा का टाइम हो चुका है और तरावी भी पढ़नी है मुझे, फिर वापस आऊंगा, फिर सो जाऊंगा गाइस खा के। और बाहर गाइस जाने का मूड तो है नहीं, बहुत थक चुका हूँ। तो आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, बाकी ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट पसंद आए तो लाइक प्लीज करना गाइस प्लीज। तो टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। Somewhere over you.